आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो बच्चों, दिस इज आवर फोर्थ पार्ट ऑन कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। आज का सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ओके, अभी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। इसे जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाने वाला है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। लॉगरिदम का हमें अभी तक तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओके, आगे भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पेज नंबर 5 पे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। थ्री कार्स वेयर सोल्ड थ्रू एन एजेंट फॉर 240,000, 222,000 एंड 225,000 रिस्पेक्टिवली। थ्री कार्स सेल किए हैं, द रेट ऑफ कमीशन वेयर 17.5% ऑन फर्स्ट, 12.5% ऑन सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट कार के ऊपर 17.5% कमीशन है, सेकेंड के ऊपर 12.5% है। इफ द एजेंट्स ओवरऑल रिसीव्ड 14% कमीशन ऑन टोटल सेल, फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन थर्ड कार। तो ओवरऑल मतलब टोटल सेल्स के ऊपर उसे 14% मिला है, तीन कार्स का जो टोटल सेल है उसके ऊपर 14%। हमें पूछा है रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार। ओके, ठीक है, तो हम अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। कार उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, रेट ऑफ कमीशन एंड अमाउंट ऑफ कमीशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ कमीशन, तो फर्स्ट कार की सेलिंग प्राइस हमें दी है 240,000। ओके, सेकेंड 222,000 एंड थर्ड कार के लिए है 225,000। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन, नाउ रेट ऑफ कमीशन फर्स्ट का है 17.5%, सेकेंड का है 12.5% और थर्ड का हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। हम इसे एक्स भी कह सकते हैं, एक्स परसेंटेज। तो टेबल से पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन भी लिख लेंगे। लेट अस अज्यूम रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार बी एक्स परसेंट। तो हम एक्स परसेंट एज्यूम कर रहे हैं। नाउ टोटल सेल जो है, अगर ये तीनों की टोटल हम करते हैं 240,222 और ये क्या आएगी 600,000, 40 प्लस 25 हो जाता है 65 प्लस 22 87, तो ये हो गया 687,000 ओवरऑल रेट का है। ओवरऑल मतलब ये इसकी टोटल नहीं, ये जो 687,000 है इसके ऊपर ओवरऑल 14% कमीशन मिला है। ओके, परसेंटेज में हम ये डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल 687,000 के ऊपर 14% कमीशन मिला है और हमें ये जो X मतलब थर्ड कार के ऊपर जो कमीशन है वो पूछा है। ठीक है, 240,000 इंटू 17.5% अगर हम करते हैं तो कितना आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे मैं रफ कैलकुलेशन करता हूँ। 240,000 मल्टीप्लाइड बाय 17.5% मतलब 17.5 अपॉन 100, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैसे पॉइंट को अगर हम कैंसिल करते तो एक और 0 कैंसिल हो सकता है, इसे हम लिख सकते हैं 175 अपॉन 10, एक और 0 ये कैंसिल हो जाएगा।
ना 214 to 175, ठीक है 24 से मल्टीप्लाई करो, 24 फाइव जा होता है 120, 12 कैरी होगा 24, 7 जा कितना होता है 168, प्लस 12, देखो यहाँ पे हमारा 12 बाकी था, 24 फाइव जा कितना है था 120 जीरो और 12 बाकी था, 24 सेवन जा कितना है 168, 168 में 12 ऐड कर दिया तो 180, 18 बाकी रहेगा, 24 वन जा 24 प्लस 18 होता है 42, 4200 और ये एक जीरो 42,000, ठीक है। नेक्स्ट 12.5% 2,22,000 का, 2,22,000 इंटू 12.5%। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, तो 8 से डिवाइड करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, तो 2,22,000 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो 8 2 16, 6 2 आएगा, 8 7 56, कितना बचेगा 6 और 0, अगेन 8 7 56, 4 एक 0 ले लेंगे, 8 5 40, 0 और ये एक 0 बाकी से हम डायरेक्ट ले लेंगे, तो आ गया 27,750, 27,750। और अब ये 2,25,000 के x परसेंटेज, 2,25,000 मल्टीप्लाइड बाय x परसेंटेज मतलब इनटू x अपॉन 100 होता है, तो 0 0 कैंसल, 2,250 इनटू x, 2,250 x, ठीक है। और अब ये जो रफ कैलकुलेशन हमने किया ये पूरा हमें मिटा देता हूँ, आपके पास नोटबुक होता है आप नोटबुक में भी पीछे के साइड पे ये कैलकुलेशन कर सकते हो। अब इसके टोटल 42,000 प्लस 27,000 ये होता है 69,750 प्लस 2,250 x, ओके। अब टोटल कमीशन, करंट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कमीशन यहाँ पे आना चाहिए 6,87,000 ओवरऑल टोटल सेल्स के ऊपर 14% से, सो इनटू 14/100, 0 0 कैंसिल। अब 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 इंटू 0 0, 14 सेवन जा होता है 98, 9 हम कैरी करेंगे, देन 48 एट जा 112 प्लस 9 होता है 121, 12 कैरी करेंगे, 14 सिक्स जा 84 प्लस 12 होता है 96, तो 96,180। और यहाँ पे भी हमारे पास ये टोटल कमीशन आ चुका है इन टर्म्स ऑफ x, तो हम ये लिख लेंगे 69,750 प्लस 2,250 x, ओके। अभी 69,750 राइट साइड में आएगा तो माइनस में, तो 2,250 x इज इक्वल टू 96,180 माइनस 69,750, ओके। सो 96,180 माइनस 69,750, 0, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 7 4, ये 1 रहेगा, 16 माइनस 10 करते तो 6 आ जाएगा, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2, तो 26,430, 2,250 x, हम इसे डिवीजन में सेंड कर देते तो x इज इक्वल टू 26,430 अपॉन 2,250, 0 0 कैंसिल, 2,643 डिवाइडेड बाय 225,
ओके, अब हम लॉग टेबल का यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। 2643 को अगर हमने 225 से डिवाइड किया तो 225 वन ज़ा 225, ठीक है। 4, 14 माइनस 5, 9, देन 6 माइनस 3, 3, 2 माइनस 2, 0, ठीक। ये 3 हम यहाँ से ले लेंगे। 225 वन ज़ा 225, 13 माइनस 5 करेंगे तो 8, 9 माइनस 3, 6, 3 माइनस 2, 1। आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0। अब 225 थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में सोचना होगा। 200 × 7 करते तो 1400 आता है, ओके। 25 × 7 करेंगे तो 175। देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, 225 × 7 करके देखो, 6, 7, ये आसपास की फिगर होनी चाहिए, 7 ज़्यादा आसपास की है, क्योंकि 200 × 7 कितना होता है, 1400, प्लस ये जो 25 है, 25 × 7 होता है 175, तो दोनों के एडिशन 1575। तो हम कह सकते हैं कि 7 ज़ा 1575, 10 माइनस 5, 5, 1, 0 आ जाएगा, 6 माइनस 5, 1, और ये 0, ओके। ये कैलकुलेशन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 225 × 7 जब हम करते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि 225 का मतलब होता है 200 + 25, ओके। तो डायरेक्ट 225 से मल्टीप्लाई करना डिफ़िकल्ट है, तो क्या करना है, 200 + 25, 7 × 200 = 1400, 7 × 25 = 175, और ये शॉर्टकट में आंसर आ जाता है, ओके। ये एक टेक्निक है, आप आपके तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे 0, नाउ 225 4 ज़ा, ये होता है 900, और बचेगा 150, एक 0 भी हम ले सकते हैं। 225 6 ज़ा, मुझे लगता है अभी आप तक काफ़ी है। तो x इज इक्वल टू 11.746, दैट इज राउंड ऑफ अगर हमने किया तो 11.75%, ओके। x क्या पूछा था उन्होंने, रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार, x, देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू 11.75% अप्रॉक्स। चलो तो ये आंसर आपने लिख लेना है। और अब हम चलो एक और सिमिलर क्वेश्चन आपको इमीडिएटली करना है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 1, चलो सॉल्व करो इसे। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे सॉल्व एग्जांपल नंबर 5, पेज नंबर 2 के ऊपर सॉल्व एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। देख लेते हैं हम पेज नंबर 2 सॉल्व एग्जांपल नंबर 5, ओके। ये द इनकम ऑफ एन एजेंट रिमेन अनचेंज दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5% to 6.25%। इनकम रिमेन अनचेंज, अनचेंज का मतलब क्या है, सेम, तो इनकम चेंज नहीं हुए, दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5% to 6.25%। तो रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज हो गया 5% से 6.25%, लेकिन इनकम सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस में कितना रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे बिजनेस का, बिजनेस ये वर्ड का मतलब होता है सेल्स। अगर रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन इनकम फिर भी वही है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल है, सेल्समैन एजेंट ने जो सेल किया है वो उल्टा डिक्रीज हो गया, क्योंकि उसकी
रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज होने के बावजूद भी कम इनकम इंक्रीज नहीं हो रही, तो यहाँ पे सेल्स डिक्रीज हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितने से। चलो तो एजम्पशन कर लेते, लेट अस अज्यूम ओरिजिनल सेल्स बी रुपी 100। वैसे आप यहाँ पे x भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन x एज्यूम करके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें कोई भी अमाउंट नहीं दी है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी अमाउंट अवेलेबल नहीं, तो आप 100 एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में पॉसिबल है, हमेशा हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। x से करते हो तो भी चलेगा। ना ओरिजिनल सेल्स कितना लिया हमने, 100। ना उसकी इनकम क्या रहेगी, तो इनकम इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में तो उसकी कमीशन ही इनकम है। और कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन। ओके, तभी ओल्ड इनकम, पुरानी इनकम कितनी है, तो ओल्ड इनकम इज इक्वल टू, हमने सेल 100 एज्यूम किया है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन कितना है, 5%। तो इनटू 5% करेंगे तो 100 का 5% कितना आएगा, 5 रुपीज। ओके, न्यू इनकम, नाउ न्यू इनकम हमें कैलकुलेट करना है। तभी न्यू सेल्स कितना है वो तो हमें पता नहीं है। न्यू इनकम इज इक्वल टू व्हाट, न्यू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.25%। ओके, न्यू इनकम कितनी रहेगी, तो क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली दिया है इनकम ऑफ एन एजेंट रिमेन अनचेंज, इनकम अनचेंज है, तो इसका मतलब न्यू इनकम कितनी होनी चाहिए, 5 रुपीज। न्यू सेल्स एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इंटू 6.25 डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट के बाद दो डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में हम 2 जीरो लगा सकते हैं। ओके, अल्टरनेटिवली आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया तो भी चलेगा। सो 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू 625 डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो आ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 625 इज इक्वल टू एक्स। ना 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 आएगा 1 सा और ये 125। ओके, नेक्स्ट 25 से डिवाइड हो सकता है दोनों को। ओके, 125 से भी कर सकते हैं। चलो आप इसे बाद में रफ में कैलकुलेशन कर लेना, अभी मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ और वो रहेगा 80। तो एक्स इज इक्वल टू 80 मीन्स न्यू सेल्स हमारे पास आ गया रुपी 80। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो कितना रिडक्शन हुआ है परसेंटेज में। तो रिडक्शन इन परसेंटेज ऑफ बिजनेस, ओरिजिनल हमारा था 100, उसमें से न्यू 80 माइनस कर देंगे, तो 20 रुपीज का रिडक्शन हुआ है। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल सेल था 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पे ओरिजिनल सेल भी हमने 100 एज्यूम किया था, इसलिए यहाँ पे 100 लिया है। ओके, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना ही होता है, तो 100 कैंसिल, 100 माइनस 80 ये आ जाएगा 20%, और यही हमारा आंसर है, रिडक्शन इन बिजनेस 20%। ठीक है, एक सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो ये क्वेश्चन नंबर 6, चलो इसे फटाफट सॉल्व कर लो, अभी वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करना है और आपका आंसर आना चाहिए 20%। ठीक है, आज के सेशन में हमें फाइनल पार्ट जो स्टडी करना है वो है ऑर्डिनरी कमीशन एंड डेल क्रेडिटर कमीशन।
नाउ ऑर्डिनरी कमीशन और नॉर्मल कमीशन, जो अब तक के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए उसमें जो कमीशन था वो नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी था, हम ऐसा कह सकते हैं। सो दिस इज़ अ फी पेबल टू एजेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स व्हेन एजेंट डज नॉट गारंटी द कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम अल्टीमेट कस्टमर। अब ये एजेंट को हम कमीशन पे करते हैं, फी पे करते हैं। यहाँ पे ऑर्डिनरी कमीशन के केस में एजेंट रिकवरी की गारंटी नहीं लेता है, ठीक है। अब डेलक्रेडर कमीशन क्या होता है वो समझ लो। डेलक्रेडर कमीशन में एजेंट अगर क्रेडिट सेल करेगा, देखो एजेंट ने अगर क्रेडिट सेल्स कर दिया तो ये क्रेडिट सेल कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो कलेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एजेंट लेने को रेडी है, उस केस में एजेंट को जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा उसे कहा जाता है डेलक्रेडर कमीशन। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि इफ एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, एजेंट इज विलिंग टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम कस्टमर, ही विल गेट एडिशनल कमीशन ऑफ विच इज डेलक्रेडर कमीशन। तो जो कलेक्शन करने की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट लेता है कस्टमर से पैसे कलेक्ट करने की, उसे हम डेलक्रेडर कमीशन कहते हैं। ओके, डेलक्रेडर कमीशन टोटल सेल्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अगर हमने डेलक्रेडर कमीशन दे दिया तो उस केस में बैड डेट्स का होने वाला लॉस भी एजेंट ही बेयर करता है। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई है, वाई मान लो एजेंट है एक्स का, वाई कौन है, एक्स का एजेंट है। अब वाई ने गुड सेल कर दिए जेड को क्रेडिट के ऊपर। अब अगर वाई को डेलक्रेडर कमीशन मिल रहा है तो इस केस में जेड से पैसे रिकवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाई की बनेगी, और अगर बैड डेट्स होता है तो वो बैड डेट्स भी वाई को बेयर करना होगा। लेकिन अगर एजेंट को डेलक्रेडर कमीशन नहीं मिल रहा है, सिर्फ नॉर्मल मिल रहा है, उस केस में जेड से पैसे रिकवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स की, जो प्रिंसिपल उसकी खुद की रहेगी। ओके, पेज नंबर 6 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 14, काफी सिंपल पार्ट है। अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मल और डेलक्रेडर दोनों दिया है तो दोनों कैलकुलेट करना है। देखो 14 नंबर, एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% डेलक्रेडर इफ ही सेल्स गुड्स वर्थ रुपी 37,200, फाइंड हिज टोटल अर्निंग। ठीक है, सो नॉर्मल कमीशन उसको कितना मिलेगा, तो नॉर्मल कमीशन जो उसने सेल किया है उसी के ऊपर, विच इज 10%, 37,200 × 10%, तो 10% निकालना आसान है, ये हो जाएगा 3,720। और अब डेलक्रेडर, डेलक्रेडर कमीशन कितना मिलेगा, तो कहा है 2%। ओके, तो 37,200 का सिंपली 2% कर दो, तो 1% के लिए 372 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 दिया जाएगा, 744, तो ये है 744। और अब इसकी टोटल, टोटल अर्निंग कहो, टोटल कमीशन कहो, तो टोटल अर्निंग्स ऑफ एजेंट कितना आ जाएगा, 4, 2 + 4, 6, 7 + 7, 14, 1 कैरी होगा, 1 + 3, 4, तो 4,464, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नॉर्मल कमीशन भी देना है, डेलक्रेडर कमीशन भी पे करना है। अब आपको लग सकता है कि सर ये बोनस भी तो वैसे एडिशनली दिया जाता है, दोनों में फ़र्क है। बोनस के केस में एजेंट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, डेलक्रेडर कमीशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर से पैसे कलेक्ट करके प्रिंसिपल को पेड कर देना। ओके, तो आपको होमवर्क में चलो इमीडिएटली ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नंबर 3, 4, 5
और एडिशनल क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3। चलो तो अभी ये क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द ही मिलेंगे। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।